हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज व्रत उपवास के लिए हम पनीर भुर्जी बनाएंगे। बहुत बेहतरीन और टेस्टी बन के तैयार होता है ये सीक्रेट, जो है आपको किसी ने नहीं बताया होगा इस तरीके से बनाने के लिए। ये बहुत ही टेस्टी बना है। चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। पनीर भुर्जी जो है व्रत उपवास वाला बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, हम व्रत उपवास के लिए पनीर भुर्जी बनाएंगे। देखिए, हम आपको चीजें दिखा देते हैं। हमने ये टमाटर ले लिया बड़ा साइज, ये अदरक और ये हरी मिर्च, और ये रहा पनीर जो है हमने इसका मतलब छेना तैयार करके हमने पनीर को यूज में लिया है। आप वैसे भी पनीर तैयार करके ले सकते हैं, बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाते हैं। देखिए, पनीर भुर्जी व्रत उपवास के लिए बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हमें टमाटर और हरी मिर्च अदरक का हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। देखिए, हमने कढ़ाई में तिल का तेल जो है डाल के रख दिया है। तेल जो है गरम हो गया है और हमने ये चार पांच हमने लौंग और ये जीरा ये हम डाल देते हैं इसमें। देखिए, हमने जो ये टमाटर का पेस्ट तैयार किया है अब इसे हम डाल देते हैं। देखिए, टमाटर अदरक हरी मिर्च का पेस्ट हमने डाल दिया है, ये अच्छे से भून रहे हैं। ठीक है, इसमें हम डाल देते हैं इसमें जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। देखिए, हमने ये धनिया पाउडर डाल दिया। ठीक है, अब ये रहा जीरा पाउडर। अब इन मसालों को भी साथ में अच्छे से हमें भून लेना है। इस समय हम डाल देते हैं इसमें जो है ये सेंधा नमक। आप जो मसाले पसंद करते हैं उसके अनुसार मसाले डाल दीजिएगा, व्रत में जो भी यूज करते हैं। अब इसे अच्छे से हमें भून के मसालों को जो है तैयार कर लेना है। देखिए, मसाले जो है अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें जाएगा पानी डाल देते हैं। देखिए, हमने एक ग्लास जो है पानी ले लिया है। पानी में अच्छे से उबाल आना चाहिए। अब हम फ्लेम को तेज कर देते हैं, चूल्हे को लगे हैं, साइड से हमें अंदर कर लेना है ऐसे। देखिए, अच्छे से अब इसे हमें पका के तैयार करना है मसाले को। मसाले अच्छे से पक जाएंगे। देखिए, अब इसमें अच्छे से हमें इसे पका के मसालों को तैयार करना है। देखिए, ग्रेवी में जो है अच्छी उबाल आने लगी है। अब इसमें हमने जो पनीर तैयार करके रखा है तोड़ के, अब वो डाल देते हैं। देखिए, अब इसे हम डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से हमें जो है मिला लेना है इसके साथ। देखिए, बहुत अच्छे से ये मिल जाएंगे, क्योंकि पहले से हम अच्छे से हमने इसे तोड़ के तैयार कर लिया था, मतलब छेना तैयार किया था, इसलिए इसे हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें अच्छे से इसे मिला देना है और इसे 10 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। और जो लास्ट में हम एक ऐसी चीज डालने वाले हैं जिसे आपको किसी ने नहीं बताया होगा, उससे स्वाद जो है बहुत ज्यादा बढ़ के आता है, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है ये। देखिए, अच्छे से हमने इसे मिला दिया। अब इसे पका के पहले तैयार करेंगे, पक जाएगा, लास्ट में हम डालेंगे इसमें। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है उस तरीके से। चलिए, सब्जी को जो है चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, ये तैयार हो चुका है। आप जैसा पतला गाढ़ा ग्रेवी जो है पसंद करते हैं उसके अनुसार आप रख लीजिएगा। अब इसमें जाएगा हरा धनिया। अब जो भी मसाले व्रत में यूज करते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए, हमने ये हरा धनिया डाल दिया। अब इसे अच्छे से हमें हरे धनिया के साथ जो है मिला लेना है। सब्जी जो है तैयार हो चुकी है, चूल्हे को हम बंद कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। फटाफट इसे हम कटोरे में जो है निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी ये बना है। देखिए, इसमें हम जो एक चीज डालने वाले हैं, इससे सब्जी का स्वाद जो है चार गुना बढ़ जाएगा, बहुत ही टेस्टी ये लगेगा। चलिए, अब उसे हम डाल देते हैं। देखिए, इस समय जाएगी दूध की जो है मलाई। दूध की मलाई डालना बहुत जरूरी है, इसे सब्जी का जो स्वाद इतनी क्रीमी क्रीमी, मतलब खोआ मक्खन, मतलब जो भी आप समझिए, ये बढ़ के मतलब बहुत ही मतलब स्वाद जो है बढ़ जाता है। देखिए, हमने इसे जो है डाल दिया। अब अच्छे से हमें जो इसे मिला देना है। देखिए, आप देख सकते हैं कलर जो है कितना प्यारा होने लगा है। अब इसे अच्छे से पहले हम मिला देते हैं, 2 मिनट इसे हम पका लेंगे इसके साथ। देखिए, अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। आप कलर देख सकते हैं डालने की वजह से, मतलब कितना प्यारा कलर लग रहा है। स्वाद तो पूछिए, इतना ज्यादा बढ़ जाता है जहाँ आप
चावल मतलब पुलाव हुआ उसका बना के, तीन का चावल का हुआ, समा के चावल का हुआ, पराठा हुआ, व्रत वाली पूड़ियाँ हुई, जो मर्जी वो बना के इसके साथ खाइए, मजा आ जाने वाला है। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। फटाफट कटोरे में निकाल लेते हैं। हमने एक कटोरा ले लिया है, इसी कटोरे में हम सब्जी को जो है निकाल लेते हैं। फटाफट पनीर भुर्जी जो है तैयार हो चुकी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर कमेंट करें। देखिए अब हमने इसे हरे धनिए से सजा दिया। सब्जी जो है बनके तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी बनी है।